हाय हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का पार्थ एजुकेशन में। मेरा नाम आप जान ही रहे हैं और काम बताने के लिए आया हुआ हूँ। आप लोगों की भारी डिमांड पर लंबे समय से आप लोग बता रहे थे, कह रहे थे कि गुरुदेव लोक कला के विषय में थोड़ा सा कुछ अध्ययन हो जाए। और लोक कला एक ऐसा विषय है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं एक बड़ा यूनिवर्सल है। कहीं से भी लोक कला से प्रश्न बनते हैं और लोक कला से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात यह है कि लोक कला है क्या चीज। अगर आप इस लोक कला को परिभाषित करने निकलेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसको इंग्लिश में हम फोल्क आर्ट कहते हैं, FOLK, फोल्क आर्ट। अब फोल्क आर्ट क्या है, या क्या लोक कला के लिए हमें इसी तरह के शब्दावलियों का प्रयोग किया जाएगा? नंदिनी जी, बैच कोड कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सीधा सीधा आप एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर जा करके पेड कोर्स में, जिस कोर्स में ज्वाइन करना है वहाँ आप ज्वाइन करिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं। कोई बैच कोड वगैरह नहीं होता है, सीधा सीधा एडमिशन लीजिए, सीधा सीधा पढ़िए बिना किसी कोड वगैरह के अप्लाई किए। डायरेक्ट डिस्काउंट बच्चों को दिया जाता है, उसमें हम लोग कोई फिल्टर नहीं लगाते डिस्काउंट में, तो सीधा सीधा डिस्काउंट है। पार्थ एजुकेशन का ऐप, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पेड कोर्सेज में जा करके आर्ट सब्जेक्ट सर्च करना है, TGT PGT जहाँ भी आपको ज्वाइन करना है आप बैच परचेज कर लेंगे, आराम से आप हमारे पेड क्लास से जुड़ जाएंगे। कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो नंबर दिया गया हमारे संस्थान का। हालांकि डायरेक्ट आप एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि फोल्क आर्ट या लोक कला है क्या। ऑप्शन में दिया था, आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है, बात कर लीजिएगा नंबर से। बैच परचेज किया है आपने, फिर कहाँ से बैच कोड आएगा भाई, बैच कोड आता क्या ऐसा? आपने बैच परचेज किया है तो नंबर पे कल बात कर लेना, आज तो नहीं बात हो पाएगी, कल बात कर लेना। कोई भी ऑफिस का नंबर होगा, 10 बजे के बाद फोन कर लेना, स्क्रॉलिंग पे चल रहा है नंबर, उसी पर बात कर लेना। चलिए, अब मैं बोलूं ना, अब आप लोग तैयार हैं? ठीक है, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे आज फोक आर्ट पर, और एक ऐसा आर्ट, एक ऐसी संस्कृति जो हमारे कला का एक बड़ा बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, लोक कला। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो TGT PGT हो, चाहे वो राजस्थान हो, या फिर वो कोई स्टेट हो, हर तरह से प्रश्न, हर जगह यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं लोक कला के बारे में। लेकिन लोक कला जानने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है सुबह में, हर संडे को होती है सुबह में 8 बजे से। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं तो ये 125 प्रश्नों का बड़ा बेजोड़ संग्रह आप सभी को दिया जाता है, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन ऑफलाइन नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं, ऑफलाइन आएंगे इस समय तो केवल 6500 में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से, नया बैच प्रारंभ है, आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस को। शुरू करते हैं आज की अपनी लोक कला की क्लास। ये बच्चों डेमो क्लास होती है जहाँ पे आप ये देख पाते हैं कि कैसे आपको पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ कंटेंट की क्या समझ होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैच के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आपको मिलेगी, जानकारी या लोक कला के विषय में क्या क्या चीज़ें आप समझेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, लोक कला। और लोक कला को हम कहते हैं FOLK, फोल्क आर्ट। तो
फोल्क आर्ट कह लें या लोक कला कह लें, बात एक ही है। एक सामान्य समझ में पहले आप इसको समझ लीजिएगा कि लोक कला होती क्या चीज है। यहां पे लोक कला का मतलब ये होता है, एकदम सामान्य भाषा में अगर आप इसे समझें तो हम कह सकते हैं कि लोक कला किसी भी समाज में व्याप्त सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं का प्रेजेंटेशन होता है, जो हम धार्मिक समारोहों या सामाजिक समारोहों के अवसर पर विभिन्न माध्यमों से उसके अलंकरण के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में, उत्तर भारत में और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की लोक कलाओं का प्रचलन है। कभी दीवारों को रंगा जाता है, कभी घर के सामने भूमि पर कुछ अलंकरण आकृतियां बनाई दी जाती हैं, अलंकृत आकृतियां बना दी जाती हैं। कभी कभी हम एक अलग तरह का पोशाक पहन लेते हैं, कभी कभी हम अपने विशेष प्रकार के परिधान को पहन करके कार्य करते हैं। तो लोक कला का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो जन सामान्य से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो जनमानस से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोक कला कहते हैं। और यही हमारे संस्कृति की धरोहर, यही हमारे संस्कृति की धरोहर है। तो लोक कला के प्रारंभ के बारे में आप ये समझे पहले कि लोक कला की धरोहर क्या है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? सर्वप्रथम लोक कला शब्द का जो प्रयोग किया गया वो 1846 में किया गया। सर्वप्रथम लोक कला शब्द का प्रयोग 1846 ईस्वी में किया गया, कहाँ पे? इंग्लैंड में। ध्यान रखेंगे कि लोक कला का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया, मतलब ये फोल्क आर्ट के रूप में या लोक कला के रूप में, ये 1846 में इंग्लैंड में किया गया, विलियम जॉन थॉमस के द्वारा किया गया है। विलियम जॉन थॉमस द्वारा, ये इंग्लैंड का एक पुरातत्वविद है, ये इंग्लैंड का एक पुरातत्वविद है विलियम जॉन थॉमस। और इसने पहली बार लोक कला शब्द के बारे में, लोक कला शब्द का प्रयोग किया 1846 में, और यहीं से यह कला जो है वो लोगों के जहन में आई, लोगों के सामने आई। कहते हैं कि ये इंग्लिश में इसे, आंग्ल भाषा में फोल्क कहा जाता है, इंग्लिश में इसे फोक कहा जाता है। और ये जो फोक से, फोक जो शब्द है वो एक फॉक नाम का शब्द है, उससे बना है फॉक, ये फॉक शब्द से बना हुआ है। ये फॉक शब्द से बना हुआ है फोल्क। और इसका क्या अर्थ होता है? ये इसी फॉक का रूपांतर है, फॉक रूपांतर क्या है? फॉक, फॉल्क है। तो जो शब्द फॉक है इसी का इंग्लिश रूपांतरण फोल्क कहलाया, जिसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं मैं, लोक कला। अब लोक कला का जो आशय है, लोक कला का जो अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है? जैसा हमने आपसे अभी क्या बताया कि लोक कला कला की ऐसी विधि है जो जन जन की विधि है, लोगों की विधि है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाई गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोक कला जन द्वारा जन जन हेतु बनाई गई कला है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा ही लोग कला लोगों के लिए बनाई जाती है। सवाल यह है कि
इस लोक कला का जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक रूप है, इसका शुरुआत कहां से माना जाता है? तो लोक कला का जो प्रारंभ है, इसका जो प्रारंभ है वो आदि काल से ही माना जाता है, या आदिम काल से कह सकते हैं, आदिम काल से, अर्थात स्टोन एज आप कह सकते हैं। मतलब स्टोन एज एक नाम तो नहीं, लेकिन प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। इसके लिए एक शब्द आप यूज कर सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो ये प्रागैतिहासिक काल से ही, प्रागैतिहासिक काल मतलब आदि काल से ही लोक कला का प्रचलन भारतीय संस्कृति में या दुनिया भर की संस्कृतियों में दिखाई देता है। लेकिन इसका जो उत्कृष्ट रूप है और व्यवस्थित रूप है वो 19वीं सदी के आसपास आपको दिखाई देता, मतलब शाब्दिक तौर पर जब इसको परिभाषित किया गया। लोक कला का एक पक्ष यह भी आपको दिखेगा, जैसे अगर आप किसी भी तरह की कोई धार्मिक क्रियाओं का आयोजन कर रहे हैं, कोई आप ऐसा जैसे सामाजिक अनुष्ठान कर रहे हैं, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज और अनुष्ठान, अनुष्ठानों के अवसर पर लोक कलाओं का प्रयोग और निर्माण किया जाता है, लोक कलाओं का प्रयोग किया जाता है जो विस्तृत तौर पर भारतीय समाज और संस्कृति में, भारतीय समाज और धर्म में ये चीज दिखाई देती है। हम कहते हैं कि लोक कला मानव समूह की सहज अभिव्यक्ति का एक रूप है। इस वजह से इसको एक शब्द में आप बांध सकते हैं, लोक कला मानव समूह की सहज कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है। लोक कला मानव समूह की सहज कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है, अर्थात जो आसानी से बनाई जा सके, जो लोगों के द्वारा बनाई जा सके, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे लोक कला बोलते हैं। तो लोक कला मानव समूह की सहज अभिव्यक्ति है, जिसमें हम किसी भी कलाकृति को सहज ढंग से कोई भी आदमी बना ले वो लोक कला है। तो इस तरह से लोक कला हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि लोक कला में क्या पशु पक्षियों का भी चित्रण किया जाता है? तो इस सवाल का बड़ा सुंदर जवाब है कि जब भी आप लोक कला का निर्माण करते हैं तो लोक कला के निर्माण में हम पशुओं का भी यूज करते हैं और पक्षियों के चित्रों का भी, आकृतियों का भी प्रयोग करते हैं। ये मांगलिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ माना जाता है, ये मांगलिक दृष्टिकोण से, मांगलिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ और बड़ा सही माना जाता है। ये सब मैं इसलिए इतना डिटेल्स में आपको बता रहा हूं क्योंकि ये कथन कारण में भी यहां से प्रश्न बनते हैं, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट की परीक्षा हो, या अदर किसी स्टेट में जैसे आरपीएससी वगैरह में, या हरियाणा में, या बिहार आप दे रहे हैं, तो यहां पे यही बात आपसे पूछी जाती, थोड़ा सा कथानक कह करके। इसलिए मैं बड़े आराम से चीजों को समझा रहा हूं। गरिमा साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप उपस्थित हैं आज यहाँ पे। तो यहां तक की बात आप समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा और आगे। अब हम एक क्रमगति से आपको एक एक समय की लोक कला के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के लोक कला के विषय में अगर खोजने का प्रयत्न करेंगे कि लोक कलाओं का जो प्रभाव है, लोक कलाओं का जो बंधन है, लोक कला, क्या यह लोक कला
प्रागैतिहासिक काल से चल रही है? क्या यह लोक कला प्रागैतिहासिक काल से चल रही है? हम कहेंगे बिल्कुल, यह प्रागैतिहासिक काल से चल रही है। जब आप अपने गुफाओं में, जब आप गुफाओं में देखेंगे तो गुफा चित्रों में, या यूं कह सकते हैं कि जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, उन भित्ति चित्रों में लोक कला के कुछ प्रमाण, लोक कला के कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि यह ऐसी अवस्था थी मानव की, जो जिसकी जानकारी हमें केवल प्रस्तर के उपकरण से मिलती है, जिसकी जानकारी हमें गुफा चित्रों से मिलती है, कोई लिपि या कोई लेखन जैसी चीजों का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इन चित्रों को देख करके यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा भी लोक कलाओं जैसी चीजों का प्रयोग किया जा रहा होगा। और इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि लोक कला की अपनी जो शुरुआत है, वो आदिम मानव के समय ही शुरुआत हो चुकी थी। तो लोक कला का जो शुरुआत है वो आदिम मानव में, उसके बाद जो भारतीय संस्कृति दिखती है वो आपको सैंधव सभ्यता दिखेगा, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सैंधव सभ्यता, तो सैंधव सभ्यता में क्या लोक कला के बारे में जानकारी है? तो बिल्कुल है, सैंधव सभ्यता में भी लोक कलाओं का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे सैंधव सभ्यता में लोक कला का जो एग्जाम्पल मिल रहा है, लोक कला का उदाहरण, लोक कला का उदाहरण कहाँ मिल रहा है? मृद भांडों में मिल रहा है ना? कहाँ पे मिलेगा? मृद भांडों में लोक कला का एग्जाम्पल मिल रहा है। यह एक बड़ी सदी बात, बड़ी अच्छी बात है कि मृद भांडों को सजाने के लिए भारतीय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने अनेक प्रकार की लोक कलाओं का प्रयोग किया है, अनेक प्रकार की लोक कलाओं से उसको सजाया है। और यह एक लोक कला का एग्जाम्पल है जिसे हम कलश सजाना कहते हैं। कलश, अगर आपके घर में पूजा पाठ वगैरह होता होगा तो आप देखते होंगे कि इस कलश को सजाने के लिए जो बुआ होती है घर की, बुआ की जिम्मेदारी होती है, और बुआ इसे फूलों से, गोबर से, गाय के गोबर से, और जौ, चावल, रंगीन, अक्षत, उन सब के संयोग से, प्रयोग से इसे बाकायदा सजा देती हैं। जैसे यहाँ पे अगर पीला रंग भर दिया तो यहाँ पे कुछ और रंग भर दिया जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे कुछ और रंग भर दिया जाएगा, इस तरह से इसे सजाने का, इस तरह से इसे सजाने के लिए अलग अलग तरह के रंगों का, अलग अलग तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। और फिर इस कलश का यूज अपने हम लोग पूजा पाठ के दौरान करते हैं, पूजा पाठ के दौरान करते हैं। तो बड़ा सुंदर और अलंकृत ढंग से मृद भांडों को, मिट्टी के बर्तनों को, हम एक इस कलश को सजाते हैं, और फिर यहाँ पे पुष्पों का ढेर लगा देते हैं, और फिर इसके ऊपर से हम एक इस तरह से आम का पल्लव लगा करके और इसे सजा लेते हैं। तो ये धार्मिक अनुष्ठानिक चीजों में, क्रियाओं में यूज किया जाता है। तो मृद भांडों की कला इस रूप में तो नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन इस तरह का प्रयोग किया जाएगा, है ना? तो इस तरह से चीजों का प्रयोग किया जा रहा था। तो हम ये समझ पाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरह के संस्कृतियों का प्रचलन था। और देखो, संस्कृति समाज के साथ साथ परिवर्तनशील रहती है, वो चलती रहती है। तो सैंधव सभ्यता के लोगों के द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा लोक कला का प्रयोग किया जा रहा था, जो हमारी प्राचीन विरासत है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है कि उस जमाने में भी लोग
उस जमाने में भी लोग क्या कर रहे थे, उस जमाने में भी लोक कलाओं का प्रयोग कर रहे थे। अब प्रागैतिहासिक काल के बाद सैंधव काल आया, सैंधव काल के बाद सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संपन्न काल मानेंगे, कलात्मक रूप से संपन्न काल मानेंगे, जिसे मौर्य काल कहते हैं। लेकिन यही बगल में आप वैदिक काल के बारे में देखिएगा, क्या वैदिक काल में इस तरह से लोक कलाओं का प्रचलन था? तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि वैदिक काल साहित्य संपन्न था। इसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो साहित्यिक ग्रंथों से मिलती है। और वैदिक काल के बारे में जब खुदाई करवाई गई, जब उत्खनन करवाया गया, तो इस तरह से पात्रों का और बाकी चीजों का प्रयोग नहीं दिखाई देता है। इसलिए वैदिक काल में इस तरह के प्रचलन जो रहे हैं उसका हमें साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध है, उसका कोई अभिलेखीय प्रमाण या पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन ग्रंथों में, और जैसे वैदिक जो ग्रंथ हैं उसके बाद महाकाव्य के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में भी अलंकरण के प्रयोग दिखाई दिए हैं। जैसे आपने ऋग्वेद को पढ़ा होगा तो ऋग्वेद में चमड़े पर चित्रकारी किए जाने का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ जो यज्ञ वेदियां बनाई जा रही थीं, उन यज्ञ वेदियों को अलंकृत करने का प्रमाण भी मिलता है कि उसे अलंकरण से सजाया जाता था। बाद में जब आप रामायण और महाभारत का अध्ययन करते हैं तो रामायण काल में हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो लंका में उन्होंने एक घर देखा था जो अंदर और बाहर से पूरी तरह से अलंकृत था, चित्रात्मक था, तो उसके बारे में भी प्रमाण मिलता है। लेकिन इसका कोई प्रमाण पुरातात्विक रूप से उपलब्ध नहीं है भारत में, तो हमें साहित्यिक ज्ञान तक ही सीमित रहना पड़ता है। साहित्यिक ज्ञान तक ही हम इसमें सिमट करके रह जाते हैं। इसके आगे वैदिक काल के बाद जो भारत की लोक कला बढ़ी वो कैसे बढ़ रही है? जैसे इसके बाद जो एक समृद्ध समय आएगा, समृद्ध समय कैसे आएगा? यक्ष और यक्षिणियों के रूप में आएगा, अर्थात मौर्यकालीन लोक कला, जहां लोक कला की बड़ी प्रखरता के साथ चिंता और चिंतन किया जाता है, मौर्य काल। तो लोक कला का जो प्रयोग मौर्य काल में है, जरा इसको देख लीजिए। मौर्य काल में लोक कला का बड़ा उत्कृष्ट और उम्दा रूप दिखाई देता है। और ये दो ऐसे लोक कलाएं जिसमें एक आप यक्ष मानते हैं और दूसरा यक्षिणी, तो यक्ष और यक्षिणी मौर्य काल की लोक कला का बड़ा प्रखर रूप दिखाई देता है। और इन दोनों के मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया जाता था जो लोक कला का उत्कृष्ट रूप है। इनकी मूर्तियां भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त की गई हैं, जिसमें सुल्तानगंज वाली जो मूर्ति शिल्प है, यक्षिणी की मूर्ति, पटना या बिहार के सुल्तानगंज वाली जो यक्षिणी, चावर धारण यक्षिणी, वो अलंकरण का, सौंदर्य का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है अलंकरण का। और अलंकरण के साथ ही साथ मूर्ति निर्माण का और शारीरिक सौंदर्य और यौवन का एक बड़ा उत्कृष्ट रूप आपको लोक कला के रूप में दिखाई देता है। तो मौर्य काल में प्रतिमाओं के माध्यम से लोक कला का प्रचलन रहा और सुल्तानगंज या बल्कि आप केवल चावर धारणी ध्यान रखेंगे, चावर धारणी, यक्षी का जो शिल्प है, ये लोक कला का उत्कृष्ट उदाहरण, उत्कृष्ट नमूना के रूप में माना जाता है। उत्कृष्ट प्रकार से ये चीजें आपके लोक कला में यहाँ पे शामिल हो जाती है। तो मौर्य काल में लोक कला का आपने उदाहरण देखा।
अब मौर्य काल में ही इसी के आसपास आप अजंता का नाम जानते हैं, अजंता शैली, अजंता, चूंकि अजंता भी अपने आप में कला का बहुत बड़ा विरासत है, अजंता कला का अपने आप में बहुत बड़ा विरासत है। यहां से लोक कला के एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के तो चित्र बनाए गए हैं, क्या इन विभिन्न चित्रों में समाहित है लोक कला? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इन्हीं चित्रों के अलंकरण में, इन्हीं चित्रों के अलंकरण में, इन्हीं चित्रों के अलंकरण में लोक कलाओं का प्रयोग किया गया है सज्जा के लिए, लोक कला का प्रयोग किया गया है सज्जा के लिए, उसको सजाने के लिए, सज्जा के लिए और सजाने के लिए। तो लोक कला का एग्जाम्पल यहां पे मिलता है। अजंता में तो भरपूर अच्छे से लोक कला के बारे में जानकारी मिलती है। अब अजंता के बाद जब भारतीय संस्कृति में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपभ्रंश का समय दिखाई देगा, ऐसा समय जहां पे अपभ्रंश कला भारत में उद्भव होगा। अपभ्रंश कला के बारे में जो जानकारी मिलती है, वहां पे लोक कला के नमूने मिलते हैं गुजरात के पटोला वस्त्रों में, जो छाप और बूटीदार बुनाई के रूप में प्राप्त होते हैं। तो लोक कला का प्रयोग तो अपभ्रंशों में भी किया गया है, लोक कला का प्रयोग तो भारतीय अपभ्रंश शैली में भी किया गया है। इसके लोक कला में, ये अपभ्रंश कला में जो लोक कला के नमूने मिलते हैं, लोक कला के उदाहरण मिलते हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? गुजरात से। कहाँ से मिल रहे हैं? गुजरात से। गुजरात में आपने सुना होगा पटोला वस्त्र, गुजरात में क्या सुना होगा? पटोला वस्त्र, पटोला वस्त्र, गुजरात में क्या? पटोला वस्त्र, पटोला वस्त्र। ये जो पटोला वस्त्र हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के छापा बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के बिंदुओं का प्रयोग किया गया, विभिन्न प्रकार के छींट कह सकते हैं, छींट का प्रयोग किया गया। इसमें बूटीदार बुनाई, बूटीदार बुनाई का प्रयोग किया गया। ये सब चीजें कैसे दिख रही हैं हमें? लोक कला माने अपभ्रंश शैली के दौरान लोक कला का उत्कृष्ट रूप आपको यहां पे दिखाई देगा। और इसी के बाद 7वीं 8वीं सदी आ जाती है और भारत में राजपूत कला में हम पहुंचते हैं, और भारतीय राजपूत कला तक आते आते आपको दिखेगा कि लोक कला का ठीक ठाक प्रयोग और लोक कला को ठीक ठाक संरक्षण देना शुरू कर दिया गया था। तो राजपूत काल में क्या लोक कला का प्रचलन था? बिल्कुल था। इन्होंने लोक कला के विकास में, राजपूतों ने लोक कला के विकास में बेहतर योगदान किया, और लोक कला के साथ ही साथ जो चित्रकार थे उनको इन्होंने संरक्षण भी दिया, संरक्षण भी दिया। और इसी का नतीजा आप जो राजस्थानी शैली है उसको आप देखेंगे, जैसे अगर लोक कला के संदर्भ में या और पट चित्रों के रूप में आप देखें तो नाथ द्वार एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए। नाथ द्वार, हालांकि नाथ द्वार एक चित्रण शैली है, लेकिन इसका प्रयोग इतना सामान्य और सहज ढंग से किया जाता है कि यह लोक कलाओं में शामिल हो जाती है, लोक कला के पैरलर आ जाती है, इतना सामान्य और इतना सहज ढंग से इसका प्रयोग किया जाता है ना? विनय कुमार वाजपेयी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से बताया सर आपने,
ब्रजमोहन जी, जी सर जी कर रहे हैं, इसी बात का हम पैसा ही लेते हैं। सही बताएं तो कोई चीज़ बहुत सरल और सहज ढंग से समझा देने का ही, बाकी आपको अच्छा लग रहा है, आपका अपना खुद का टैलेंट है। एक दार्शनिक ने कहा था कि सौंदर्य वस्तु में नहीं देखने वाले की आंखों में होता है, तो समझाने की कला मुझ में नहीं है, समझने का प्रत्यय आप में है, इसलिए आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे मौर्य काल में यक्ष और यक्षियों के रूप में कला का उत्कृष्ट रूप अजंता में जो अलंकरण का प्रयोग किया गया है वहां पे लोक कला के रूप दिखेंगे। अपभ्रंश शैलियों में गुजरात के पटोला वस्त्रों का जो प्रयोग किया गया, जिसमें छाप है, बिंदु है, बूटीदार ये बुनाई है, छींट है, इन सब चीजों का प्रयोग हम कर रहे हैं। फिर राजपूत काल में जाकर के हमने यह कहा कि राजपूतों ने कला को बाकायदा संरक्षण दिया, कला और लोक कला दोनों का प्रभाव और प्रकाश और विकास वो राजपूत काल में दिखाई देता है। अर्थात भारतीय लोक कलाओं का और भारतीय साथ साथ जो ट्राइबल्स फोक आर्ट है, माने जनजातीय लोक कला है, आदिवासी लोक कला है, वो भारत ही नहीं दुनिया भर में विख्यात है अपनी प्रसिद्धि के कारण। दुनिया भर में जानी जाती भारत की लोक कलाएं और लोग उससे इंस्पायर हैं। जैसे कपड़े की चिकनकारी लखनऊ वाला काफी फेमस है, जैसे ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ निजामबाद वाला वर्ल्ड फेमस है, जैसे जयपुर का जो ब्लू पॉटरी लोक कला है वर्ल्ड फेमस है, इसी तरह से मांडना है, लावणी है, सांझी है, बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो दुनिया भर में विख्यात हैं। आगे हम एक एक कला के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। तो न केवल भारतीय लोक कला बल्कि आदिवासी कलाओं को भी विश्व स्तर पर पहचान मिली। इसके विषय में, मतलब इसको दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए दो विद्वानों ने काम किया है। एक का नाम स्टेला क्रमरिस है, डॉक्टर स्टेला क्रमरिस, और डॉक्टर स्टेला क्रमरिस के साथ ही साथ एक नाम आपको मिलता है वेरियर एल्बिन का, और एक भारत के विचारक रहे हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, और एक हैं पुपुल जयकर। तो लोक कला को दुनिया भर में, भारतीय लोक कला को प्रसिद्धि दिलाने का काम इन लोगों ने किया है। तो इस चीज को आप लिखेंगे, भारतीय लोक कला को विश्व में प्रसिद्धि दिलाया। कौन कौन दिलाता है? वो प्रसिद्धि उल्टी हो गई है, इधर से प्रसिद्धि होती है, हो गई प्रसिद्धि। तो एक नाम हमने कहा कि डॉक्टर स्टेला क्रमरिस, स्टेला क्रमरिस। आपको पता होगा कि डॉक्टर साहब ने भारतीय कला और कला के संदर्भ में काफी ग्रंथों को भी लिखा है। वेरियर एल्विन, लोक कला के बारे में, उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने भारतीय लोक कला को विश्व स्तर पर पहुंचाने में मदद करी। उसके बाद पुपुल जयकर, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने लोक कला को विश्व स्तर पर पहुंचाने में, विश्व स्तर, विश्व पटल पर पहुंचाने में
इन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि आप ये जानते हैं कि लोक कला अपने आप में अगर प्रसिद्धि का कारण बनी तो प्रमाणिक तौर पर 20वीं सदी से लोक कला 20वीं सदी से इसके जो प्रमाणिक नमूने हैं वो उपलब्ध होते हैं। लोक कला के प्रमाणिक नमूने उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोक कला 20वीं सदी का समय है, लोक कला पहले से आ रही है। 20वीं सदी में इसके प्रामाणिक उल्लेख मिलने लगते हैं किताबों में या इस तरह से। सवाल यह है कि भारतीय लोक कला का जो इतना सुंदर रूप आप देख रहे हैं, भारतीय लोक कला का जो इतना सुंदर रूप आप देख रहे हैं, ये कैसे आप समझ पाएंगे? भारतीय लोक कलाओं को जीवित रखने का श्रेय भारतीय महिलाओं को है। भारतीय लोक कलाओं को जीवित रखने का श्रेय किसको है? भारतीय महिलाओं को है। आइए जरा सा एक लोक कला के बारे में हम डिस्कस करें जिसका नाम है सांझी लोक कला। सांझी लोक कला, पहली चीज यहां से प्रश्न किस तरह से बनते हैं उस पर छोटी सी नजर मैं डाल दूं आपकी। प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए सांझी लोक कला कहां की लोक कला है। सांझी लोक कला का सांझी का अर्थ क्या होता है? सांझी के कितने प्रकार प्रचलन में है या कितने प्रकार की कला प्रचलित है? सांझी कला किससे संबंधित है? इस तरह की बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो पहली चीज याद रखिएगा आप कि सांझी कला का जो अर्थ होता है, सांझी का इसका अर्थ होता है सज्जा करना, श्रृंगार करना या सजावट करना। श्रृंगार, सज्जा या सजावट, ये सांझी का अर्थ होता है। और इस कला का जो प्रचलन है, प्रचलन कहां पे है? मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अगर मथुरा की बात है तो इस कला का संबंध किससे हो सकता है? राधा के प्रेमी से, भगवान श्री कृष्ण से है। तो सांझी लोक कला का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है। मथुरा उत्तर प्रदेश की लोक कला है जिसका अर्थ होता है श्रृंगार, सज्जा या सजावट। ये जो लोक कला है, ये इसके प्रकार कितने हो सकते हैं, किस किस तरह से आपके सामने ये दिखती है सांझी लोक कला? पहली चीज गोबर की सांझी। गोबर की सांझी। दूसरा आपको दिखेगा सूखे रंगों की सांझी। सूखे रंगों की सांझी। तीसरा आपको दिखेगा पानी के नीचे की सांझी। पानी के नीचे की सांझी। चौथा आपको दिखेगा
पानी के ऊपर की सांझी। पानी के ऊपर की सांझी। तो इस तरह से सांझी लोक कला के बारे में अगर आप इतनी बातें ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप गलत कर पाएंगे। कुछ बातें और अभी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि खत्म है। तो सांझी ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण की उपासना के लिए किया गया एक आलेखन है। सांझी में यहां पे कुछ पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। यहां पे लिख दे रहा हूं, यह मुख्यतः गोबर से दीवारों पर बनाई जाती है। दूसरी बात लिखेंगे, कुंवारी कन्याएं गाय के गोबर पुष्प द्वारा भित्तियों पर अलंकरण करती हैं। तीसरी पॉइंट, सांझी दीवारों के साथ ही भूमि पर भी बनाई जाती है, भूमि पर भी बनाई जाती है। ठीक है, श्वेता राय पूछ रहे हैं कि क्लास कब तक चलेगा। जब तक कहिए श्वेता। आगे देखिए, 7 बजे तक चलेगी, 5 मिनट और चलेगी क्लास। समझ में आ रहा आप लोगों को थोड़ा बहुत। अब एक सांझी कलाकार आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से सांझी के कलाकार हैं। तो इस समय में एक नाम आपको मिलेगा, विजय कुमार, विजय, और एक मिलेगा मोहन वर्मा। मोहन वर्मा ये कलाकार हैं सांझी के। उसके बाद एक हैं लव कुमार सोनी, कुमार सोनी, इन्हें तो कमला देवी पुरस्कार भी मिला है, लव कुमार सोनी को। इन्होंने राइस पेपर पर और कपड़े पर सांझी बनाने में काफी मेहनत किया है। ये राइस पेपर पर सांझी का निर्माण किए हैं, जिसके कारण इनकी प्रसिद्धि काफी रही है। समझ पाए हैं? चलिए, एक नाम सौरभ गोस्वामी का है, नोट कर लीजिए, सौरभ गोस्वामी हैं।
ये भी सांझी के अच्छे आर्टिस्ट हैं, सांझी के अच्छे, एक राम सोनी का नाम मिलता है इसी में, राम सोनी, तो ये सब सांझी के कलाकार हैं। सांझी कला में सबसे पहले स्केचिंग का काम किया जाता है, फिर कागज में आकृतियां काटी जाती हैं और जो अपना मेन विषय है उसको बीच में रख करके चारों तरफ से फूलों का आलेखन बनाया जाता है। तो सांझी कला में स्केचिंग का भी महत्व ऐसा नहीं है कि ये क्या चीज है, सांझी कला में सबसे पहले स्केचिंग की जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले स्केचिंग की जाती है, उसके बाद फिर उसी के आधार पर पूरा जो चित्र है वो निर्माण किया जाता है। तो उम्मीद है कि आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। इसी तरह से शाम को 6 बजे प्रतिदिन क्लास आप सभी को मिलती है। मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास इसमें और ले लूं आपके पब्लिक के लिए, संभवतः कल ये क्लास और मिल जाए आपको, या कुछ ना कुछ तो कल 6 बजे करूंगा ही करूंगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सभी को। अब क्लास एप्लीकेशन पर होगी। तो आज के लिए सभी को थैंक यू, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में 6 बजे।